आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योग गुरु राजेश आज आपको बताऊंगा कि गले में यदि आपको दर्द हो तो क्या करेंगे। जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आता है तो पहले गले में दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तेज हो जाता है और फिर फीवर आ जाता है। यदि आप उसको पहले दिन ही उसके लक्षणों को पहचान जाएं और ये कोरोना वायरस का कारण हो या नॉर्मल वायरस, कोई भी किसी भी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन के कारण हो, आपको बस करना क्या है इसको आप ध्यान से सुने। आपको नीम के पत्तों को पानी में उबालना है, उसमें थोड़ा कच्ची हल्दी आप डाल लीजिए, थोड़ी सी मात्रा में आप उसमें फिटकरी, फिटकरी कैसे डालनी है आपको, फिटकरी अगर आपके पास है तो उसे 3-4 बार पानी में ऐसे घुमा दीजिए बस और निकाल लीजिए। उसको ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होने देना, बहुत कम मात्रा में फिटकरी पानी में घुले। थोड़ा नमक डाल लीजिए, ये पानी आपका तैयार हो गया। बहुत असरदार, किसी भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया को आपके गले में रहने ही नहीं देगा। ये इतना इफेक्टिव होगा कि आप इसका गार्गल जब करेंगे तो मात्र 2-3 दिन में ही आपके गले में जो वायरस आ गया है वो ठहर नहीं पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसे इस पानी से आप गार्गल करेंगे कम से कम दिन में 3-5 बार, और पानी को अच्छे से गले में रखें। लगभग 1-1.5 मिनट तक पानी को गार्गल की तरह गड़गड़गड़ करते रहें, खूब अच्छे से कम 1 मिनट तो रखना ही है आपको पानी को। तो ऐसे आप 5-7 बार गार्गल करते रहें, पानी निकालते रहें, पीते रहें, ऐसे 5-7 बार करें। तो दिन में आप कम से कम 3-5 बार तो गार्गल ज़रूर कर लें, तो आप देखेंगे आपके गले का दर्द 70-80% तक कम हो जाएगा। दूसरा, आप स्टीम लें, स्टीम में भी आप थोड़ा नीम के पत्ते डाल लीजिए और थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं, दो लौंग डाल सकते हैं आप उसमें, और इसकी स्टीम लें शुरुआती तौर पर। अगर रोग बढ़ जाए तो इसके लिए हमने स्टीम लेने की एक सही विधि इन्फेक्शन में, उसके लिए एक वीडियो बनाई है। योग गुरु राजेश चैनल पर आप जाएं और वहां पर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो सामान्य दर्द होने पर आप दिन में 2-3 बार स्टीम लेंगे तो आपको 20-30% आराम उससे आपको होगा। तो पूरी तरह से आप 100% गले के दर्द से राहत मिलेगी आपको। और यदि थोड़ा सा साथ में आप उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास कर लें, उज्जायी प्राणायाम गले से आवाज़ जो करते हैं, गले को संकुचित करते हुए इस प्रकार से, फिर बंद लगाएं, गले की मांसपेशियों पर पूरा फोकस करते हुए बंद हटाते हुए अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दें। तो उज्जायी प्राणायाम, इसके और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से गले के दर्द को शुरुआती स्थिति में ही यदि ठीक कर लेंगे तो आपको फीवर इत्यादि नहीं होगा, आपको कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में, दूसरे सिम्टम्स नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो घबराए नहीं, इन विधियों का उपयोग करें। ये आयुर्वेद योग को यदि आप जीवन में अपनाते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत शुभकामना, सभी को मेरा नमन। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।